नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। शिकोहाबाद विधानसभा के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा पर जैन समाज के साधु ने जूते मारने के लगाए गंभीर आरोप। जानकारी बता दें कि साधु का आरोप है कि डॉक्टर मुकेश वर्मा बीजेपी विधायक हैं और भू माफियाओं को संरक्षण प्राप्त करते हैं। जैन मंदिर के ईंट और जमीन को कब्जा करने को लेकर साधु को जूते से मार कर घायल कर दिया। विधायक ने साधु से छेड़खानी के झूठे मुकदमे लिखवा कर जेल भेजने की धमकी दी। साधु काफी डिप्रेशन में है और काफी डरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार के विधायक सरकार की किरकिरी करने में कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का विधायक धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है। विनोद कुमार गौतम, ब्यूरो चीफ, आगरा मंडल। मुकेश वर्मा द्वारा जो है स्टेडियम के लिए जो है जैन पार्किंग की जमीन पर कब्जा किया गया था, तो उसका मैंने जो है विरोध किया था। उसी का बदला लेने के लिए भी 5 तारीख को मुकेश वर्मा ने जो है मुझको झूठे इल्जाम लगाए और जूतों से मुझे मारा, जान माल की जो धमकी दी औरतों को मेरी और धकेला कि ना चप्पलों से मारो, बोले कि मैं तुझे जो है गायब करवा दूंगा, ये कर दूंगा, तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझ पर छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया। सारी घटना इसमें वर्णित है जो आपको भी आया है। लोग ऐसा ज्वाइन किए कि जो पुजारी जी को निकाला गया 20 साल से काम करते थे निस्वार्थ, कजरी का वो ऐसा कांड हुआ उसकी वजह से ये परेशानी। इसके लिए आप किस तरह की कार्रवाई करें? हम ये चाहते हैं कि निपक्ष, हमारे पुजारी 20 साल से हैं इसलिए निपक्ष, वो कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते वहाँ संदवार क्षेत्र में, इसलिए ये मीटिंग स्पेशल बुलाई।